गुड मॉर्निंग ओडिशा, आज हेउछि 18 डिसेंबर 2022 दिन रविवार। आज मध्य देखिबा बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर। नुआ वर्ष पूर्वरु महंगा माड़ सीएनजी दर रे घटिला परिवर्तन। एलएल एवं डीएल पई आसिला नुआ नियम, जानिबा संपूर्ण खबर ए वीडियो माध्यम रे। ता सहित राज्यर प्रत्येक जिल्ला रे खोलिबो नुआ वृद्धाश्रम। समस्त जिलापालक ठारु प्रस्ताव मांगिले राज्य सरकार, जानिबा संपूर्ण खबर आउ किछि मिनिट माध्यम रे। नुआ टीम गढ़ी पारंती नवीन पटनायक, काहीकि नुआ टीम गढ़ी पारंती नवीन पटनायक ताहा मध्य जानिबा ए वीडियो माध्यम रे। आधार कार्ड को नहीं आसिला नुआ तथ्य। भारत रे 5 वर्ष रे सृष्टि हेछि 3.5 लाख नकली आधार कार्ड, जानिबा संपूर्ण खबर ए वीडियो माध्यम रे। इश्रम पोर्टाल रे पंजीकृत हेले 28 कोटी लोक, एहि दिन कार्ड रे आसिबो टंका, जानिबा संपूर्ण खबर आउ किछि मिनिट माध्यम रे। पोस्टर रे चाकरी करबाकु चाहुछन्ते कि अष्टम पास करथिले करंतु आवेदन, दरमा 65,000 टंका मिलिबो। जनताकु बड़ आश्वस्ति, कोनोसी द्रव्य उपरे बढ़ी पाइला नाही जीएसटी। गुटका पान मसला मध्य महंगारु मुक्ति, जानिबा संपूर्ण खबर ए वीडियो माध्यम रे। ता पूर्वरु न्यूज को आपण माने केउ जिल्ला रे देखुछन्ते कमेंट करी जणंतु। ता सहित वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करके रखंतु। तेबे चालंतु आउ डेरी करबा नाही, आजर खबर टिकु आरंभ करिनबा। नुआ वर्ष पूर्वरु महंगा माड़ सीएनजी दर रे घटिला परिवर्तन। नुआ वर्ष आरंभ हेबाकु मात्र अल्प दिन बाकी रहिला। एहा पूर्वरु जनसाधारण दरदाम वृद्धि रो शिकार हेबाकु जाउछन्ते। आज ठारु रास्ता रे गाड़ी चलाइबा लोकंक पई महंगा हेला कहिबाकु गले। नुआ दिल्ली रे सीएनजी दर रे परिवर्तन घटिछि। तेबे दिल्ली रे पूर्वतन सीएनजी दर 1 किलो पिछा 78.61 टंका रहितला, ताहा नुआ दर रे परिवर्तन होई 79.56 टंका रे पहुंचिछि। तेणु आपणकु 95 पैसा अधिक देबाकु पडिबो बोली जणा पडिछि। परवर्ती खबर, केन्द्रमंत्री नितिन गडकरी बड़ दाबी 2024 सुद्धा भारत एही क्षेत्र रे अमेरिका सहित टक्कर देबो। केन्द्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी किछि एभली कथा कहिछन्ति जहाँ वर्तमान सबुआडे चर्चार विषय पलटिछि। से कहिछन्ति 2024 पूर्वरु भारतर सबु सड़क अमेरिका रास्ता बोली चमकिबो। फिक्कीर 95 वर्ष सम्मेलन रे सूचना देई गडकरी कहिछन्ति जे आमे देशर वर्ल्ड लेबर सड़क ढांचा तयारी करछु। से कहिछन्ति 2024 वर्ष शेष सुद्धा आमर सड़क रो ढांचा अमेरिका सड़क ढांचा को टक्कर देबा परी होय जीवा बोली से कहिछन्ति। परवर्ती खबर, लर्नर लाइसेंस ओ ड्राइविंग लाइसेंस पई नुवा नियम। लर्नर लाइसेंस ओ ड्राइविंग लाइसेंस पई ऑनलाइन रे मिलिबो डाक्टरी सर्टिफिकेट। परिवहन विभाग पक्षरु एही व्यवस्था करै जायछे। सारथी पोर्टल माध्यम रे एही सेवा मिलिबो। पोर्टल रे पंजीकृत डाक्टर ओ मेडिकल सर्टिफिकेट देबो। एमबीबीएस बा ताठारु अधिक योग्यताधारी डाक्टर पोर्टल रे निजकु मागणरे पंजीकरण करि परिबे। एही पंजीकृत डाक्टर माने ही देबे ऑनलाइन सर्टिफिकेट। डीएल बा एलएल आवेदन करथिबा व्यक्ति को मेडिकल सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिकली पंजीकृत डाक्टर अपलोड करिबे। एहा द्वारा आउ केही नकली डाक्टरी प्रमाणपत्र अपलोड करि परिबे नाही बोली परिवहन विभाग पक्षरु कहा जायछि। ऑफिस रे भीड़ कमाइबा सहित पूरा व्यवस्था को स्वच्छ करबा पई एही व्यवस्था आरंभ होईछि। एठारे आवेदनकारी बिना असुविधा रे सीधासलख मेडिकल सर्टिफिकेट पाई परिबे। परवर्ती खबर, राज्यर प्रत्येक जिल्ला रे खोलिबो नुआ वृद्धाश्रम। समस्त जिलापालक ठारु प्रस्ताव मागिले राज्य सरकार। आजिकालि लोकंकर जीवन धारणार समय वृद्धि पाइछे, तेणु अधिकांश लोक बेसी वर्ष बंचुथिबा देखा जाउछि। तबे मनीष दीर्घायु हेबा वृद्ध व्यक्तिंकु पाई दुखर कारण पलटिछि। किछि वृद्ध व्यक्ति निसंतान कारणरु तो आउ किछि निर्यातनार शिकार होउथिबा देखा जाउछि। तबे एपरि समस्यार समाधान पाई एकमात्र भरोसा वृद्धाश्रम। तबे सद्य सूचना मुताबक राज्य सरकार वृद्ध व्यक्ति को सहायतार हात बढ़ाई। प्रत्येक जिले में नुआ वृद्धाश्रम खोलिबा नहीं राज्य सरकार निष्पत्ति नहीं। वर्तमान राज्य में केन्द्र सरकार अटल व्यय अभ्युदय योजना अधीन 91 वृद्धाश्रम रही बेले राज्य सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण द्वारा किसी जिले में वृद्धाश्रम खोल जाए। ए बाबद राज्य एसएसईपीडी विभाग पक्षर समस्त जिलार जिलापालक ठारु प्रस्ताव मंगा जाइछे। परवर्ती खबर, 2023 रे पुणी हेबो कोरोनार विस्फोरण, मरीबे लक्षाधिक लोक। पुणी थरे महामारी कोरोनार भयंकर रूप देखिबो चाइना। संक्रमण व्यापुथिबारु चाइनारे एकाधिक कटकणा लागिथिला, किंतु दीर्घ दिन धरी लोके माने
कठोर कटकणा मध्ये आउट पाउट हेबारु प्रतिवाद करिथिले। लोकंकर आक्रोश देखि चाइना सरकार मध्य कटकणा उठाई देइछन्ति। हेले संक्रमण बढ़ुवा बेले हठात कटकणा हटाइबा को चाइना सरकार को महंगा पड़िबो। कटकणा कोहल होइथिबारु चाइना रे कोरोना संक्रमण 2023 रे विस्फोरण करिबो। एतिसह 10 लाख रु अधिक लोक कोरोना रे आक्रांत होई प्राण हराइबे ओ कोटी कोटी लोक आक्रांत हेबे एपरि आतंकित करिवार भली रिपोर्ट आसीछि। परवर्ती खबर, नुआ टीम गढ़ी पारंती नवीन पटनायक। नुआ वर्ष रे नुआ मंत्रिमंडल नुआ टीम गढ़ी पारंती नवीन पटनायक। निज टीम रो नवकळे बर करी 2024 पई टीम प्रस्तुत करिवे नवीन पटनायक। पद्मपुर रे बड़ व्यवधान रे विजय परे दायित्व रे थिबा नेतांकु मिलिबो गिफ्ट। विशेष करी पश्चिम ओडिशा रो नेतांकु मिली पारे प्राधान्य। मंत्रिमंडल को कम बैक करी परंती सुशांत सिंह। किछि वरिष्ठ मंत्री को मंत्रिमंडल रु बाहर करी संगठन दायित्व दे दल को शासित करी परंती नवीन पटनायक। परवर्ती खबर, जनवरी 1 पर्यंत रहिबो शीत छुट्टी। दर्शक बंधु, गत काली ठारु आरंभ हला सुप्रीम कोर्ट रे शीत छुट्टी। गत काली ठारु आरंभ होई जनवरी 1 तारीख पर्यंत सुप्रीम कोर्ट रे रहिबो शीत छुट्टी। एने प्रधान विचारपति डी वाई चंद्रचूड़ शुक्रवार दिन सुप्रीम कोर्ट रे एने घोषणा करिछंती। एहि समय रे कोनोसी अवकाश खंडपीठी उपलब्ध हेबो नाही। डिसेंबर 17 ठारु जनवरी 1 तारीख पर्यंत कोनोसी खंडपीठी कार्यक्षम रहिबो नाही। 2 सप्ताह रो शीत छुट्टी पूर्वरु शुक्रवार थिला सुप्रीम कोर्ट रो शेष कार्य दिवस। जनवरी 2 रे पुणी थरे सुप्रीम कोर्ट खोलिबो। कोर्ट रूम रे उपस्थित थिबा आईनजीवी को प्रधान विचारपति चंद्रचूड़ कहिथिले। परवर्ती खबर, भारत रे 5 वर्ष रे सृष्टि हेछि 3.5 लाख नकली आधार कार्ड। 2021 सुधा देश रे 128 कोटी 49 लाख प्रस्तुत कर जायछि। गत 5 वर्ष मध्ये 3,55,884 नकली आधार कार्ड अछि बोली आरटीआई प्रकाश करिछि। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एगुडी कर बातिल कर जायछि। सेति मध्यरु 10 रु 12 हजार आधार कार्ड मध्य प्रदेश रो थिला बोली जणा पडिछि। परवर्ती खबर, इश्रम पोर्टल रे पंजीकृत हेले 28 कोटी लोक। एही कार्ड रे कोनो फायदा मिले? देशर गरीबंक हित साधन पई केंद्र सरकार अनेक योजना प्रणयन करुथिबा बेले सेति मध्यरु गोटी हेउछि इश्रम कार्ड। एही स्कीम माध्यमरे देशर असंगठित क्षेत्र सहित जड़ित श्रमिकंकु निजर नाम पंजीकरण करिबाकु पड़िथाय। एहा द्वारा सरकारंक पक्षरु सेमानंकु योजनार फायदा मध्य मिलिथाय। तबे एहा माध्यमरे इश्रम पोर्टल पंजीकृत होइथिबा श्रमिकंक संख्या 28 कोटी टपि जायछि। इश्रम पोर्टल रजिस्ट्रेशन करिथिबा श्रमिकंकु वर्तमान केंद्र सरकार 2 लाख टंकार मृत्यु घटना बा दुर्घटनार बीमा प्रदान करिछंती। एही बीमा पई प्रीमियम देबार आवश्यकता पड़ी नथाय। जदि कोनोसी श्रमिकंकर मृत्यु घटे बा से स्थायी भाबे विकलांग पलटि जांती तेबे तांकु 2 लाख टंकार बीमा प्रदान करा जाय। से जदि आंशिक भाबे विकलांग होई जांती तेबे तांकु 1 लाख टंकार बीमा राशि मिलिथाय बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर, बैंक रे जदि रखिछंती लॉकर 1 जनवरी रु बदलि जीव नियम। जदि बैंक रे आपनकर लॉकर अछि तबे एही खबरटी आपनको लागि जरूरी। 1 जनवरी 2023 रु बैंक लॉकर ग्राहकको लागि नियम बदलि जीव। ग्राहकको ध्यान रे रखिबाकु हेबो जे सेमानकु एक लॉकर रो एग्रीमेंट करिबाकु हेबो। नुवा एग्रीमेंट 1 जनवरी 2023 रु लागू हेबो। पंजाब नेशनल बैंक भली बैंक माने एबे सेमानकर ग्राहकंकु ए बाबदे एसएमएस करी सूचित करिछंती। पीएनबी पक्षरु ग्राहकंकु पठा जायथिबा एसएमएस रे आरबीआई को नुवा गाइडलाइन अनुसार नुवा लॉकर एग्रीमेंट 31 डिसेंबर 2022 पूर्वरु लागू हेबो। एणु जदि आपण एग्रीमेंट सुरक्षा करि नहांती तो बैंक को जाई नुवा एग्रीमेंट करि आसंतु, नहले आपणकु बड़ समस्या भोगिबाकु पड़ि पारे। परवर्ती खबर, पोस्टर रे चाकरी करिबाकु चाहौछंती कि? अष्टम पास करिथिले करंतु आवेदन, दरमा 65,000 टंका। पोस्टर रे चाकरी करिबाकु चाहौछंती कि? दर्शक बंधु, भारतीय डाक रे चाकरी करिबाकु इच्छा रखिथिबा युवपीढ़ीको पई आसीछि खुशी खबर। इंडिया पोस्ट पक्षरु जारी होईछि नोटिफिकेशन। भारतीय डाक निज ऑफिशियल वेबसाइट रे एमबी मैकेनिक, एमबी इलेक्ट्रिशियन, कॉपर एंड ट्रेडस्मिथ अफलस्टर पदवी खाली नै नोटिफिकेशन जारी करिछि। इच्छुक प्रार्थी माने निजर ऑफिशियल वेबसाइट को जाई आवेदन करि परिबे। आवेदन करिवार शेष तारीख 9 जनवरी 2023 रखा जाईछि।
परवर्ती खबर देशर आवश्यकता पूरण पाई मजबूत अछि पर्याप्त खाद्य शस्य केन्द्र खाद्य मंत्रालय बड़ घोषणा जातीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा अन्यान्य कल्याणकारी योजनार आवश्यकता पूरण करिबा एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अधीन अतिरिक्त आवंटन पाई भारत सरकार सहित पर्याप्त परिमाणर खाद्य शस्य उपलब्ध रही देशर खाउटी व्यापार मंत्रालय पक्षर शनिवार दिन कहुई केन्द्र सरकार पर्याप्त परिमाणर खाद्य शस्य मजबूत अछि देशर आवश्यकता पूरण पाई यह यथेष आसंता जनवरी पहला सुधा 159 लाख टन गहम और 104 लाख टन चाउल उपलब्ध होब मंत्रालय कही गत 15 तारीख सुधा केन्द्रीय पुरेल 180 लाख टन गहम और 111 लाख टन चाउल मजबूत थिला। परवर्ती खबर जनता को बड़ आश्वस्ति कौनसी द्रव्य उपरे बढ़िला नाही जीएसटी गोठुका पान मसला मध्य महंगार मुक्ति अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षतार गत काली 48वीं जीएसटी परिषद बैठक अनुष्ठित हो अर्थ राष्ट्रमंत्री राज्य और केन्द्रशासित अंचल गुड़िकर अर्थमंत्री और केन्द्र एवं राज्य सरकार वरिष्ठ अधिकारी जोग देते यह बैठक में अनेक गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना होते कौन द्रव्य उपरे कर वृद्धि करा जाए ना यह बैठक आरंभ ही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण स्पष्ट कर समय अभाव आज तंबाकू एवं गुटखा उपरे लागुथिबा टैक्स उपरे आलोचना हो पारिबो नाही या सहित कौन जिनिष उपरे मध्य जीएसटी वृद्धि पाइबो नाही तेब आज बैठक में टैक्स चोरी उपरे मध्य एक बड़ निष्पत्ति नियाइछे सेहिपरि बायोफ्यूल को नहीं मध्य बड़ निष्पत्ति होइछे यहाँ उपरे लागुथिबा 30% टैक्स को ह्रास करी 5% कर दिया जाइछे।